सैम्पल स्पेस फॉर फर्स्ट डाई, सैम्पल स्पेस फॉर सेकेंड डाई, सैम्पल स्पेस फॉर टू डाइस। टू डाइस का मतलब एक फर्स्ट डाई होगी और दूसरी सेकेंड डाई होगी। एक सिंगल डाई के लिए सैम्पल स्पेस क्या होती है? डाई के 6 फेसेस होते हैं, तो सिंगल डाई के लिए सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही सेकेंड डाई के लिए सैम्पल स्पेस भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर दोनों डाइस एक ही समय में थ्रो की जाए, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक डाई को फर्स्ट टाइम थ्रो किया और उसी डाई को सेकेंड टाइम थ्रो किया, तो हमारे पास सैंपल स्पेस कौन सी लिखी जाती है? सैंपल स्पेस फॉर टू डाइस। तो टू डाइस के लिए सैंपल स्पेस कैसे बनेगी? हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे 1 आए और सेकंड डाई पे भी 1 आ जाए, उसके लिए 1-1 लिख दिया। हो सकता है फर्स्ट डाई पे 1 आए और सेकंड डाई पे 2 आ जाए, तो उसके लिए 1-2 हो सकती है। हो सकता है फर्स्ट के लिए जब 1 आए तो सेकंड के लिए 3 आ जाए, तो 1-3 आउटकम हो सकती है। ऐसे ही पॉसिबल है कि फर्स्ट डाई पे 1 आने पे सेकंड डाई पे 4 आ जाए, या फिर 5 आ जाए, 6 आ जाए, राइट? तो उसके लिए कितनी आउटकम्स बनी? 1-1 के साथ आ सकता है, 1-2 के साथ, 1-3 के साथ, 1-4 के साथ, 1-5 के साथ एंड 1-6 के साथ, राइट? एंड सिमिलरली अब अगर फर्स्ट डाई पे 2 आ जाता है तो पॉसिबल है कि सेकंड डाई पे 1 आए। पॉसिबल है 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, राइट? तो फर्स्ट डाई पे 2 आने पे हमारे पास कौन कौन सी आउटकम्स पॉसिबल है? 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6। एंड ऐसे ही अगर फर्स्ट डाई पे 3 आ जाए तो ये 3 सेकंड डाई के 1 के साथ भी आ सकता है, 2 के साथ भी आ सकता है, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, तो उसके लिए 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 लिख रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा। 4 के साथ भी जो सभी आ रहे हैं वो यहाँ पर लिखे हैं, 5 के साथ भी जो सभी आ सकते हैं वो यहाँ पर लिख रखी हैं आउटकम्स, 6 के साथ भी जो सारी आउटकम्स आ सकती हैं तो उसके लिए यहाँ पर लिख रखा है 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, यहाँ गलती से 7 डल गया है, 6-6 आएगा। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो टू डाइस के लिए कितनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 36। इन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को फाइंड आउट करने का एक और मेथड भी होता है। सबसे पहले हमें देखना होता है कि एक इवेंट के लिए कितनी आउटकम्स पॉसिबल हैं। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि एक डाई के लिए कितनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल हैं? 6, राइट? एंड कितनी डाइस हम थ्रो कर रहे हैं? 2। या तो एक को 2 बार करेंगे तो भी वैल्यू 2 ही आएगी, चाहे 2 अलग अलग डाइस को थ्रो करें तो भी वैल्यू 2 रहेगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 2 डाइस हैं जिनको हम थ्रो कर रहे हैं, 2 बार सैंपल स्पेसेस को यूज कर रहे हैं इस सैंपल स्पेस को बनाने के लिए, तो यहाँ पर 6 की पावर 2 आ जाएगी। अब 6 की पावर 2 का मतलब क्या है? 6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 6-6 = 36। तो ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है।